सुनो। हाय आई एम रमेश। टेक्निकल मेरा वीडियो है जो रिमोट टीवी का रिमोट और इंडिपेंडेंट टीवी का रिमोट दोनों का कन्वर्ट करके आपको दोनों में चला के दिखाऊंगा। जो मैंने अगला वीडियो रखा था वो थोड़ा सही नहीं बना हुआ है, तो इसलिए मैं फिर से आपके लिए नया वीडियो पर अच्छी तरह बना के आपको दे रहा हूँ, तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो। ये वीडियो ये रिमोट है जो ये टीवी का रिमोट है और ये इंडिपेंडेंट टीवी का रिमोट है जो इस टीवी का जो ये सेट लिखा हुआ है उसको आपको तीन मिनट तक दबा के रखना है। 3 मिनट तक दबा के रखोगे तो ऐसी इंडिकेटर लाइट चालू रहेगी, ऑन रहेगी। ऑन रहने से इसका टीवी का रिमोट इसका जो है टीवी का ऑन ऑफ का वॉल्यूम पास में रख के एक बार प्रेस करना है। एक बार प्रेस करके इसको ये टीवी इन लिखा हुआ है टीवी इन उसको एक बार प्रेस करना है और तीन और पाँच दबा के रखना है। तीन और पाँच दोनों साथ में दबाना है। 3 और 5 थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है। उसके बाद आपको सेट यानी जो ये सेट बटन है वहाँ जाके टिक करना है, तो यहाँ बीक होगी और लाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद आप ये सक्सेसफुल हो गया रिमोट आपका, इसमें कन्वर्ट हो गया। खाली एक ही स्विच काम करेगी और कोई प्लस माइनस कोई स्विच काम करेगी नहीं टीवी की, खाली ऑन ऑफ का ही कंट्रोल दिया हुआ है और दूसरा कोई काम नहीं करेगी। तो इसको आपको लाइव दिखाता हूँ कनेक्ट करके, देखो बंद हो गया। ये देखो चालू, ये चालू हो गया, ये सेटअप बॉक्स में भी चलेगा, चल रहा है। और इसमें कोई रेड लाइट नहीं हो रही है। दूसरे रिमोट में जब डिश टीवी और वीडियोकॉन के रिमोट में जो यहाँ रेड लाइट होती है, इसमें रेड लाइट नहीं होती, इसको इंडिकेटर में लाइट होती है, इससे ही होगा। अपने इसमें कुछ लाइट नहीं होगी, देखो बंद करेंगे टीवी तो भी लाइट ऑन ऑफ यहाँ लाइट नहीं होगी, यही रेड कलर की लाइट होगी, तब जाके आपका रिमोट सही हो जाएगा। तो आप देखते रहिए और मेरे को सब्सक्राइब करते रहिए और उससे भी अच्छा वीडियो आपको देता रहूँगा। थैंक यू।